जिला चिकित्सालय में मनाया अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। डीडवाना शहर के राजकीय बानगढ़ जिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जानकारी देते हुए चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र वैष्णव ने बताया कि 12 मई 1820 को मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। नाइटिंगेल नर्स होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थी। क्रीमिया युद्ध के दौरान उन्होंने जिस तरह से काम किया था उसकी सराहना आज तक होती थी। नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि वो रात के अंधेरे में लैम्प लेकर घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए निकलती थी। युद्ध के दौरान घायल सैनिकों में इन्फेक्शन बढ़ रहा था, जिससे सैनिकों की मौत हो रही थी। उनके इलाज से हजारों की तादाद में सैनिक फिर से ठीक होने लगे थे। अपने इस सराहनीय काम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को महिलाओं के लिए एक नया पेशा बना दिया था। वहीं नर्सेस दिवस पर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के छायाचित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर प्रदीप बुगालिया नर्सिंग अधीक्षक के दुर्गा लाल नागलिया, राजेंद्र गणेशाराम चौधरी, राजेंद्र सफी मोहम्मद, पन्नालाल गिरधर वर्मा, वीरेंद्र भाटी, दिलीप विनोद जानी, विजयलक्ष्मी नथमल भाटी, सुमन किरण नीतू आदि मौजूद रहे। संस्थान में मनाया गया, जिसमें अध्यक्षता श्रीमान चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र जी वैष्णव ने की। हमारे संस्थान के सभी वरिष्ठ कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद जी डाक, सफी मोहम्मद जी रंगेज, गणेशाराम जी, अपने गिरधर वर्मा, वीरेंद्र सिंह भाटी और सभी अपने नर्सिंग स्टाफ छात्र छात्राएं सभी उपस्थित रहे और हर्षोल्लास के साथ ये समारोह मनाया गया। नर्सिंग दिवस क्यों मनाया जाता है? ये नाइटिंगेल मैडम की बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नर्सिंग दिवस पर क्या क्या कार्यक्रम विशेष रहते हैं? नर्सिंग दिवस पर सभी को इनवाइट किया जाता है, संस्था परिवार के सदस्यों को, और एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है दीप प्रज्वलित करके और सम्मान प्रकट किया जाता है।